नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। यहाँ तक हमने पहले वाली वीडियो में खत्म कर लिया था, नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया से बात करेंगे। देखिए, इंडिया में जब भी आप या फिर दुनिया भर में भी जब भी आप नंबर ऑफ पुअर को कैलकुलेट करते हो एज अ प्रपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसको बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी लाइन से आने वाले नीचे जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको पूरी आबादी से कंपेयर करोगे तो क्या बोला जाओगे, इसको बोला जाएगा हेड काउंट रेशियो। विकिपीडिया पे भी जाके अगर आप हेड काउंट रेशियो का डेफिनेशन देखते हो तो क्या बताया जा रहा है, इट इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दैट एग्जिस्ट और लिव्स बिलो द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। वन ऑफ द अनडिजायरेबल फीचर्स ऑफ हेड काउंट रेशियो इज दैट इट इग्नोर्स द डेप्थ ऑफ पॉवर्टी इफ द पुअर बिकम्स पुअरर हेड काउंट इंडेक्स डज नॉट चेंज। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पॉवर्टी लाइन की यही खामी बताई थी कि भाई अगर पॉवर्टी लाइन में यह बताया जा रहा है कि 30% लोग एक देश के पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो इन 3% में से कौन बहुत ज्यादा गरीब है, कौन थोड़े कम गरीब है, यह पता नहीं चल पाएगा। बस ये पता चल पाएगा कि पॉवर्टी लाइन के नीचे 30% लोग आते हैं, उसमें कौन कितना गरीब है कौन कितना नहीं है ये नहीं पता चल पाता, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फैक्टर्स देखेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इंडिया में जो कि पुअर हैं और यहाँ रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में, वो कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, और इनका जो प्रपोर्शन है ये पिछले कुछ सालों में किस हिसाब से बदला है। तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस की जा रही है यहाँ पे पुअर पीपल की इन टर्म्स ऑफ रेशियोज एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, और इससे पता चल जाएगा कि उनके लेवल ऑफ पॉवर्टी क्या है, क्या वो रूरल इलाके में रहते हैं, क्या वो अर्बन इलाके में रहते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी के लिए अगर ऑफिशियल डाटा जो है पॉवर्टी का वो कौन रिलीज करता है, तो नीति आयोग रिलीज करता है। नीति आयोग थिंक टैंक है, हमारा प्रीमियर थिंक टैंक है देश की सरकार का, और कहीं ना कहीं उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ भाई देश में कितने गरीब अमीर ये सब उस समय पे कंपाइल करके देश की आबादी को बताता रहता है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा कलेक्टेड बाई NSSO, जिसको आज की डेट में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहा जाता है। यहाँ पे 1973 से लेकर 2012 तक का, 1973-74 से शुरू की जाए 2011-12 तक, हमारे देश में कितने गरीब थे, हेड काउंट रेशियो क्या था, ये यहाँ पे बताया गया। 1973-74 से शुरुआत हुई, जा कहाँ पे रहा है 2011-12 तक, और ये पूरा डाटा आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ पुअर इन मिलियन कितने थे, हेड काउंट रेशियो कितना था, ये पुअर रूरल और अर्बन इलाकों में कितने थे, हेड काउंट रेशियो पुअर और अर्बन इलाकों में कितना था। अगर आप 1973-74 की बात करो तो 320 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते थे। आ जाते हैं 1973-74 में 320 मििलियन, तो ये जो काली वाली लाइन है ये रूरल इलाके की लाइन है, तो अगर आप लगभग कह सकते हो तो 250 मिलियन से थोड़े ज्यादा लोग रूरल इलाके में हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, और लगभग आप कह लीजिए कि 60 मिलियन लोग आपका अर्बन इलाके में है पॉवर्टी लाइन के ऊंचे। तो मान लीजिए कि रूरल इलाके में 260 हो गए और यहाँ पे 60 हो गए अर्बन में, तो टोटल कितने हो गए, 320 मिलियन लोग हो गए 1973-74 में जो कि पुअर है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अगर इस डाटा को आप कंपेयर करते हो 2011-12 से, तो 2011-12 में टोटल 270 मिलियन लोग निकल के आते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यहाँ देखिए रूरल वाले कितने हो गए, 220 हो गए, अर्बन वाले कितने हो गए, लगभग 50 हो गए। टोटल 2011-12 में 270 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गए, और ये हेड काउंट रेशियो दे रखा है, मतलब पॉवर्टी का परसेंटेज दे रखा है कि भैया रूरल इलाकों में कितना परसेंटेज पॉवर्टी है, अर्बन इलाकों में कितना परसेंटेज पॉवर्टी है। तो अगर आप 1973-1974 का डाटा देखो तो अर्बन इलाकों में ऑलमोस्ट 50% पॉवर्टी नजर आ रही है, और रूरल इलाकों में लमसम 57% पॉवर्टी यहाँ पे नजर आ रही है। इस ग्राफ से आप डिवाइस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बात करो, इन 1973-74 अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बेसिकली यहाँ पे आपको एक एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज क्लियर कट यहाँ पे दिख नहीं रहा। जैसा कि मैंने बताया 1973-74 में जो अर्बन आबादी है उसकी लगभग 50% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, और जो रूरल आबादी है उसका लगभग 57% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है। यहाँ पे अर्बन और रूरल के प्रपोर्शन के हिसाब से जब आपने ओवरऑल देश में पॉवर्टी का एवरेज निकाला तो वो लमसम कितना निकल के आया, वो 55% निकल के आया। इस एग्जैक्टली 55% को कैलकुलेट करने के लिए उस समय के अर्बन इंडिया की आबादी और रूरल इंडिया की आबादी के प्रपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे जो आपका ग्राफ में हेड काउंट रेशियो दे रखा है इसको कैलकुलेट करके आप पहुंचोगे इस 55% के नंबर पे, ठीक है। 2011-12 तक बताया जा रहा है
कि जो हेड काउंट रेशियो है, जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग जो पॉवर्टी है वो 22% पे आ गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अर्बन का डाटा दिखा रहा है। अर्बन का डाटा क्या दिखाता है कि लगभग 12-13% 2011-12 में अर्बन इलाके में गरीब है, और लगभग 22-23% यहाँ पे दिख रहा है आपको, 20% से ऊपर यहाँ पे ये आपके रूरल इलाके में गरीब है। तो इसका जो एवरेज निकल के आ रहा है पॉवर्टी का, वो कितना निकल के आ रहा है, वो 22% निकल के आ रहा है। फिर इन्हीं ग्राफ्स की मदद से आप कुछ और चीजें देख सकते हो, जैसे कि 1973-74 में 80% गरीब रहते थे रूरल इलाकों में, 2011-12 में भी जो 80% गरीब है वो रूरल इलाकों में ही रह रहे हैं। ठीक है ना भाई, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की अगर आप बात करो तो हमारे गरीब तबके का कम से कम 3/4 75% से ज्यादा कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। ठीक है, 1990s की बात की जाए तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज हैड डिक्लाइंड वेयर द नंबर ऑफ अर्बन काउंटर पार्ट्स इंक्रीज्ड मार्जिनली। इसको फिगर से समझते हैं, 1990s की बात हो रही है, तो मान लीजिए कि 1993-94 का ये जो डाटा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो अर्बन पुअर है ना, ये रूरल पुअर है, काली वजह ये रूरल पुअर थोड़ा कम होते आ रहे हैं, थोड़ा घट रहे हैं, और यहाँ पे जो अर्बन पुअर है वो हल्का सा आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो काली वाली लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे जो लाइट वाली लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, क्या बोला जा रहा है कि 1990s में रूरल इलाकों में जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर थे वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे थे, और अर्बन काउंटर पार्ट्स में जो पुअर थे वो थोड़ा सा बढ़ रहे थे, मार्जिनली बढ़ रहे थे, जो कि लाइन में हमने वहां पे देखा। द पॉवर्टी डिक्लाइन कंटीन्यूअसली फॉर बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है भाई, पॉवर्टी तो डिक्लाइन कर ही रही है, कैसे दिख रहा है डिक्लाइन कर रही है, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये दोनों ग्राफ आपको नीचे दिखते नजर आ रहे हैं, तो पॉवर्टी यहाँ पे डिक्लाइन करती हुई नजर आ रही है। बीच में एक शार्प स्पाइक देखने को मिला है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, यू विल नोटिस दैट ड्यूरिंग 1973-2012 देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर एंड द प्रोपोर्शन, बट द नेचर ऑफ द डिक्लाइन इन टू पैरामीटर्स इज नॉट एनकरेजिंग। क्या बोला जा रहा है कि भाई 1973 से लेकर 1912 में जो नंबर ऑफ पुअर है वो घट रहे हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ पुअर का पूरी आबादी में वो भी घट रहा है, बट पैरामीटर्स इनकरेजिंग नहीं है। ये पैरामीटर्स इनकरेजिंग कैसे नहीं है ये भी देखते हैं। द रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। जितनी तेजी से नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन कर रहे हैं उतनी तेजी से पुअर का रेशियो नहीं घट रहा है, मतलब आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट आबादी का वो परसेंटेज तबका जो कि गरीब है वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पुअर तो घट रहे हैं, बट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन पुअर वो ज्यादा नहीं घट रहा है, समझ गए। फिर क्या होता है, यू विल ऑल्सो नोटिस दैट द गैप बिटवीन द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गॉट रिड्यूस्ड, व्हेयरएज इन द केस द रेशियो द गैप हैज रिमेन्ड द सेम एंटिल 1993-1994 एज एनवाइडेंट इन 2011-12। यहाँ पे गैप की क्या बात की जा रही है, 1973-74 के बीच में अगर आप गैप देखो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो रूरल और अर्बन इलाके उसके बीच में, तो थोड़ा समय तक तो ये गैप कम हुआ, फिर एकदम से 2004-5 के समय पे ये गैप बढ़ा, ओके, और 2011-12 तक ये गैप कम हो गया। अगर आप रेशियो के रिस्पेक्ट में गैप देखोगे अर्बन और रूरल इलाके का, तो पहले ये कम था, ठीक है ना, 2004-5 आते आते ये बढ़ा, उसके बाद ये कम हुआ है, लेकिन फिर भी 1973-74 से लेकर 1993-94 तक जो गैप था रूरल और अर्बन इलाकों में हेडकाउंट रेशियो में, ये बढ़ चुका है 2011-12 आते आते। तो ये पैरामीटर्स हमको ये बता रहे हैं कि भले ही एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर कम हो रहे हैं, लेकिन हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ वो जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर कम हो रहे हैं उसके चलते परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पुअर वो कम नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बात की जा रही है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स। 1973 से लेकर 2012 तक का अगर डेटा देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में किस समय पे कितनी पॉवर्टी थी। ये जो आपको लाइट वाला कलर दिख रहा है 1973-74 का डाटा है, डार्क वाला कलर 2011-12 का डाटा है। कुछ स्टेट्स का यहाँ पे एनालिसिस कर गए, फॉर एग्जाम्पल हम आंध्र प्रदेश का देखें, तो आंध्र प्रदेश का 1973-74 में कितनी पॉपुलेशन रहती थी पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो लगभग यहाँ पे है 49% पर 11% आपकी 2011 में। तो आंध्र प्रदेश की 11% आबादी, ठीक है ना, 2011-12 में पॉवर्टी लाइन के नीचे, और ये आबादी 1973-74 में कितनी थी पॉवर्टी लाइन के नीचे, 49%, समझ गया ना। तो 49% लोग गरीब थे 1973-74 में, और बाद में अगर आप देखोगे तो 2011-12 तक केवल 11% लोग गरीब रहे आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड को इंक्लूड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को इंक्लूड कर रहा है, बिहार झारखंड को इंक्लूड कर रहा है, ये स्टेट्स 2000 में अलग हुए थे, 1973 के डाटा में सब इंक्लूड कर रहा होगा, ठीक है, 2011-12 में ऑब्वियसली बात इंक्लूड नहीं कर रहा होगा।
तो ये जो स्ट्रेट लेवल ट्रेंड से हमने यहां पे देखा, अलग अलग चार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ओके, पहली लाइन 2011-12 दिखा रही है, 1973-74 दिखा रही है, ये सब तो आपको देखिए समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। द चार्ट ऑल्सो रिवील्स दैट सिक्स स्टेट्स तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कंटेन अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पुअर इन 1973-74। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, देख लेते हैं एक बार। तमिलनाडु में कितने थे भाई? 55% लोग गरीब थे। उत्तर प्रदेश में 57% लोग गरीब थे। वेस्ट बंगाल में तो गजब ही होगा, 63% लोग गरीब थे। ओडिशा में 66% लोग गरीब थे। मध्य प्रदेश में 62%, बिहार में 62% लोग गरीब थे। ये डाटा दिखा रहा है किसका? 1973-74 का। उसके बाद अगर आप बात करो, ड्यूरिंग 1973-2012 मैनी इंडियन स्टेट्स रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल्स टू अ कंसीडरेबल एक्सटेंट। अगर आप बात करो, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 1973 से लेकर 2012 के टाइम पीरियड में अपने पॉवर्टी लेवल्स को बहुत हद तक घटाया है, लेकिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी पॉवर्टी लेवल नेशनल पॉवर्टी लेवल से ज्यादा है। अभी भी मतलब 2011-12 की बात कर रहे हैं। तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के हालात देखते हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश में अभी भी जो 2011-12 में जो पॉवर्टी है वो 30% थी, बिहार में 2011-12 में जो पॉवर्टी थी वो 34% थी, मध्य प्रदेश में 2011-12 में जो पॉवर्टी थी वो 36% थी, उड़ीसा में 2011-12 में जो पॉवर्टी थी वो 36% थी। तो ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जो 1973-74 में भी गरीब थे और अभी के लिए भी वो गरीब नजर आ रहे हैं, लेकिन दो स्टेट्स ऐसे नजर आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, जिन्होंने अपनी पॉवर्टी लेवल को गजब तरीके से गिराया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ग्राफ में देखो तो वेस्ट बंगाल 63% पॉवर्टी रेट था यहाँ पे 1973-74 तक, 2011-12 तक वो 23% पे पहुंच चुका है। ठीक है, दूसरा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 55% पॉवर्टी थी 1973-74 में, और 2012 तक आते आते 16% पॉवर्टी हो गई। तो ये कुछ स्टेट्स की परफॉर्मेंस है किसको लेके, पॉवर्टी। तो 1973 से लेके 2012 तक के टाइम पीरियड में देश में पॉवर्टी का क्या स्टैटिस्टिक्स रहा है, स्टेट वाइज भी हमने थोड़ा डाटा देखा और नेशन वाइज भी हमने थोड़ा डाटा देखा। तो ये था एनालिसिस।